कलाना पंचायत में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर संचालक के द्वारा हो रहा घोटाला। ग्राम सलापुर के लोगों का कहना है कि समय पर हमें राशन नहीं मिल रहा। जब हम संचालक से बात करते हैं तो वो बोलता है कि महीने की आखिरी में राशन दूंगा, जबकि सरकार की ओर से राशन बांटने का कार्य 5 तारीख से चालू हो जाता है, लेकिन कलाना में उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं मिलता। बार बार हमें मजदूरी छोड़कर राशन की दुकान पर जाना पड़ता है, लेकिन राशन की दुकान हमेशा बंद मिलती है। संचालक से जब गांव वाले पूछते हैं कि राशन कब बांटोगे तो वो बोलता है कि जब बांटेंगे तो बता दूंगा। गांव वालों ने ये भी पूछा कि राशन कितने महीने का मिल रहा है तो वो बोलता है कि 2 महीने का, जबकि शासन की ओर से ये निर्देश जारी है कि 4 माह का राशन देना है, जिसमें 2 महीने के पैसे लेने और 2 महीने का राशन फ्री देना है। लेकिन संचालक के द्वारा गरीबों का हक मार कर यहां पर 2 महीने का राशन देने की बोल रहा है, बचा हुआ राशन बाजार में बेचने की फिराक में वो रहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है जिसकी राशन की दुकान गांव से दूर है उनको गांव में ही राशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सलापुरा से कलारना की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और लोगों की मजदूरी छोड़कर वहां पर राशन लेने जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि राशन संचालक के खिलाफ कार्यवाही कर हमको पूरा राशन दिलाया जाए, जिससे कि हमारा भरण पोषण सही तरीके से हो और समय पर राशन उपलब्ध हो जाए। आवेदन दो, संगठन ने मना कर दे कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा और तुम तो कलाने पंचायत में, मैं नगर पालिका में नहीं जोड़ सकता हूँ। नहीं तो ये नगर पालिका में धोरी है तो तुम्हारे ग्रामीण में ही है, पंचायत में बना सकते हैं ना। अगर हमारे गांव वासियों की मांग है कि हम यहाँ लाना चाह रहे हैं तो हमारे खिलाफ एक आवेदन बना के नहीं दे सकते? आपका फर्ज है साइन करना, एक सिग्नेचर चाहिए सरपंच सेक्रेटरी का, गांव की जो तुम हमारे लिए बने हो सरपंच सेक्रेटरी, तो हम गाँव। तो क्या समस्या है तुम्हारी, मतलब गेहूं नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? समस्या यही है कि मतलब हर जगह मतलब गेहूं बढ़ चुके हैं और हमें धंधे पानी कम है हमारे, और हमें मतलब लास्ट महीना चल रहा है तब भी हमें गेहूं नहीं मिल पा रहा है। सीधी बात तो ये तो क्या कह रहा है गेहूं बांटने वाला? कुछ नहीं, मतलब ये सोमवार का नाम दिया था, सोमवार निकल गया, उसके बावजूद अभी बता रहे फिर अगर मशीन खराब हो गई है तो हमें तो समस्या, हम तो मजदूर आदमी, हमें तो डेली मतलब कहीं कहीं से मतलब जुगाड़ करके तेलियों में चून ले के खाते हैं, मतलब ये समस्या। तारीख को गेहूं देते हमें सिर्फ 2 दिन हमें। अच्छा, क्यों 2 दिन में ले लिया तो ले लिया, हर कंट्रोल पे नियम पे यही है भाई साहब के 1 तारीख से गेहूं बढ़ जाता है, क्योंकि 28-29 तारीख को लास्ट में महीने में वो गल्ला उतर जाता है हर कंट्रोल पे, पर हमारा ही सलापुरा का मात्र 2 दिन बांटते हैं ये, और बस 2 दिन में कहते हैं कि ले तो ले लो बस, वरना नहीं। हम काम धंधे वाले आदमी, कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो, कम से कम 4-5 तारीख से बांटा करो, शुरू करो कि 10 दिन में तुम ले लो भाई, 10 दिन का टाइम है तुम्हारे लिए, 10 दिन का कलारने के लिए दे दो। कौन सी कंट्रोल पे गेहूँ मिलता है तुम्हारा? ये कलारना पंचायत में, तो यहाँ सलापुरा में नहीं है? सलापुरा में नहीं, 4 किलोमीटर है यहाँ से कलारना। उसके बावजूद ही हमें ऑटो से किराया लगा के सब कुछ करके मतलब कई बार भाई सब बुला लेते हैं और परेशानी आती है, पैसा लगता है हमारे फालतू कई बार। तो अभी क्या कह रहा है, अभी तुमने बात करी कंट्रोल वाले से? अभी हम सुन रहे हैं कि वो 2 महीने के दे रहे हैं और 2 महीने के नहीं दे रहे हैं, माने कि हर गांव में 4 महीने के मिल रहा है, 2 महीने के पैसों से 2 महीने के फ्री है, और हमारे लिए सुनी कि कलाने अभी कलाने वाले इनके बांटे उन्होंने 2-2 महीने के दे रहा है, ये सुन रहे हैं हम लोग। तो तुम लोगों ने आगे शिकायत नहीं करी ऊपर कलेक्टर के? ये जानकारी के लिए ये बयान दे रहा है। अच्छा, बस श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमान से निवेदन है कि हमारी कंट्रोल अलग आना चाहिए, सलापुरा में चलवाई जाए अलग। तो मतलब यहाँ से कितनी दूर है कलारना तुम्हारे यहाँ से? 4 किलोमीटर है सर जी। मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे कंट्रोल खुल जाए एक और? सर जी, यहाँ वहाँ से ज्यादा आबादी है कलाने वालों से। कितने राशन कार्ड होंगे यहाँ पे? 700 राशन कार्ड है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल यहीं पर मिले, हम परेशान हैं बहुत। तो उसके लिए आप तुमने कभी आवेदन दिया कलेक्टर के यहाँ पे? हम आवेदन दे रहे हैं। दूसरी बात ये ये दूसरी वाली कंट्रोल है, हर महीने खुलती रहती है, हर महीने मिलता है, महीने में तो हमारी एक 2 दिन के लिए खुलती है, 2 दिन के बाद ही बंद हो जाती है। कोई आदमी मजदूरी पे चल जाता है तो वो नहीं ला पाता, फिर अगला दिन गया तो गया उसका, तो अब 2 महीने के एक साथ में देते भी नहीं है भाई साहब, देते नहीं है वो, क्योंकि